फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। त्योहारों का मौसम आ चुका है और त्योहारों से पहले शहर की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने मेरठ महानगर के विभिन्न बाजारों के व्यापारियों की समस्या को लेकर नगर निगम का घेराव किया, साथ ही नगर आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर अध्यक्ष आशु शर्मा ने बताया कि वो तीन मुख्य बातों के साथ यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं फील्ड रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के नगर निगम में, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष आशु शर्मा जी हमारे साथ हैं। उनसे पूछेंगे कि आज किस मुद्दे को लेकर वो यहां पर उपस्थित हुए हैं। सर बताइए, क्या आज आपका मोटिव है इस सभा को लेकर? देखिए, मुद्दा कुछ नहीं है, शहर के व्यापारियों की परेशानियों को लेकर आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। हमारी मांग है कि इस समय शहर के अंदर त्योहारों का सीजन चल रहा है और बाजारों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं नगर निगम से जो चाहिए हमको, वो हमें नहीं मिल पा रही। सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो पा रही। इसके अलावा पथ प्रकाश जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं नगर निगम की तरफ से, सभी बाजारों में कागजों में नगर निगम की तरफ से बदली जा रही, लेकिन असलियत ये है कि वहाँ पर बाजारों में स्ट्रीट लाइटें खराब हैं बड़ी संख्या में, उन्हें बदला नहीं जा रहा। सर्दियाँ आने वाली है, कोहरे का मौसम चालू हो जाएगा, व्यापारियों के साथ लूटपाट की घटनाओं में बढ़ोतरी हो जाती है अगर स्ट्रीट लाइटें रात में नहीं जलें, जब व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर जाता है। आज हमारे ये तीन मुद्दे थे। पहला मुद्दा तो ये था कि नगर निगम के द्वारा जो सफाई व्यवस्था बाजारों में नहीं हो पा रही है, उसे सुचारू रूप से कराई जाए और जो कूड़ा नालियों से निकाला जाए उसे तत्काल ही वहाँ से उठवा लिया जाए, नहीं तो 90% कूड़ा फिर दोबारा नाली के अंदर चला जाता और 10% कूड़ा व्यापारी की दुकान के अंदर आ जाता, वो सफाई हुई या ना हुई बराबर हो जाती है। दूसरा मुद्दा था कि स्ट्रीट लाइटें जो शहर के अंदर महानगर के अंदर नगर निगम के द्वारा लगी हुई हैं, उन्हें बिल्कुल सुचारू रूप से चालू कराया जाए, सही कराया जाए और उन सभी स्ट्रीट लाइटों की समीक्षा की जाए समय समय पर, वो जल रही हैं नहीं जल रही। तीसरी बात थी कि नगर निगम के द्वारा बहुत ही बड़ी संख्या में दरें बढ़ा बढ़ाकर व्यापारियों के यहाँ हाउस टैक्स के नोटिस भेजे जा रहे हैं और उसके बाद उन्हें कम करने के नाम पर भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम सीमा पर चल रहा है। लाख लाख, डेढ़ डेढ़, दो दो लाख, तीन तीन लाख रुपए के नोटिस व्यापारियों को भेजे जा रहे हैं, उसके बाद दलालों के माध्यम से उन्हें कम कराने के नाम पर हाउस टैक्स के अधिकारी नगर निगम के उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज हमारे नगर आयुक्त साहब से यही मुलाकात में हमने यही कहा कि या तो इसका 15 दिन के अंदर समाधान आप लोग कर दो, नहीं तो दरी बिछाकर 1000 की संख्या में संगठन के पदाधिकारी और व्यापारी यहाँ पर बैठेंगे। लेकिन आशु जी, यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि त्यौहार आ रहे हैं तो हमें नगर निगम को ये चीज़ें रिमाइंड करानी पड़ती हैं कि शहर में सफाई व्यवस्था सही होनी चाहिए, लाइटिंग्स होनी चाहिए, ऐसा बार बार क्यों? क्यों वो खुद से इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते? क्यों यहाँ पर लोगों को अपने काम छोड़कर उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि आप ऐसा कीजिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक योजना चल रही है, स्वच्छ भारत अभियान। अगर अधिकारी वास्तव में अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो वो सफल हो जाएगी, नहीं तो अगर उसे ख़त्म करने का कोई काम कर रहा है तो वो नगर निगम कर रहा है, नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं, उनके सुपरवाइजर कर रहे हैं, उनके कर्मचारी कर रहे हैं। बड़ी संख्या के अंदर बाजारों में हर साल ही व्यापारियों को ही नगर निगम को जगाने के लिए आना पड़ता है, नगर निगम बिल्कुल सचेत नहीं होता, व्यापारियों को सिर्फ दूध देती गायें समझ रखा है कि इनसे टैक्स वसूलना है, सफाई व्यवस्था के नाम पर या व्यापारियों को सुविधाओं के नाम पर 0/0 कर रखा है। संयुक्त व्यापार मंडल और अन्य व्यापारियों की समस्या पर हमने संयुक्त नगर आयुक्त से भी कुछ सवाल जवाब किए। आइए जानते हैं कि उन्होंने इस मसले पर क्या निर्देश दिए। सर, संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष अभी आपसे मुलाकात करके गए हैं, जिनकी मांगे हैं कि त्यौहार आ रहे हैं और शहर में सफाई व्यवस्था है बिल्कुल भी ठीक नहीं है और गली में स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से व्यापारियों को डर है कि उनकी दुकानों में चोरी चकारी का डर रहता है, क्योंकि लाइट्स नहीं होगी तो सेफ्टी पर्पस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, तो इसके लिए क्या आपने उन्हें निर्देश दिए? मेरी बात हुई थी, अभी आए थे सारे लोग, वो बिंदुवार जो जो उन्होंने बातें बताई थी अपने ज्ञापन में और अलग से भी, तो वो हमने सब नोट कर लिया है और जो चीज़ नोट कराई है उन्होंने सब हमको संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों को भेज करके उनकी समस्याओं को हल करा है। लेकिन सर, यहाँ पे सवाल ये है कि क्या व्यापारियों को यहाँ पर आना, ये बात रिमाइंड कराना नगर निगम को ज़रूरी है? क्योंकि अगर त्यौहार आ रहे या फिर त्यौहार ना भी आए तो साल भर में ये जो सफाई है ये बार बार होते रहने चाहिए, जबकि कूड़े का ढेर वहीं की वहीं है, सड़कें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं, स्ट्रीट लाइट्स ठीक नहीं हो रही, तो ये चीज़ें तो मतलब अधिकारियों को या फिर कर्मचारियों को पहले से ध्यान रखनी चाहिए। ये रूटीन में प्रोसेस है, चलती रहती है। दीपावली का मौसम है तो कहीं लोग कूड़ा निकल भी रहा है ज़्यादा, तो जहाँ जहाँ लोगों ने समस्याएं बताई कि और दीपावली तक और जहाँ जहाँ की समस्या आएगी सब हम उनको स्टाफ भेज करके दिखवाएंगे और साफ कराएंगे।
क्या सर ऐसी भी कोई सुविधा है कि कोई इंस्पेक्शन टीम टाइम टू टाइम मुआयना करने जाए कि क्या चीज़ ख़राब है, क्या कहाँ पर काम होना है, ताकि किसी को रिमाइंड कराने की ज़रूरत ना पड़े, और शहर में जो सफाई व्यवस्था है या फिर लाइटिंग्स की या सड़कों की प्रॉब्लम है वो टाइम टू टाइम अपने आप ही रिजॉल्व होती रहे। हर वार्ड में सफाई निरीक्षक है, वो समय समय पर भ्रमण करते रहते हैं, जहाँ जहाँ उनको चीज़ें दिखाई पड़ती हैं उनको वो निपटाते हैं, करवाते हैं उसको। ये जो जन समस्याओं का सुनवाई इसीलिए होती है कि जहाँ जहाँ मामले हम लोग हमारा कर्मचारी नहीं जा पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, वो बताए तो हम उनको निपटा दें। कुल मिलाकर महानगर में काफी चिंता का विषय है कि त्योहारों के मौसम में सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर पदाधिकारियों को या फिर कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाता है, उन्हें खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, जबकि होना चाहिए ये कि इन सुविधाओं को किसी त्योहार या खास मौके का इंतजार ना होकर हमेशा इन चीजों पर खास तौर से ध्यान रखा जाए, ताकि शहर स्मार्ट सिटी के तमगे को हासिल कर सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे ऐसे ही और अपडेट्स को लेकर। नमस्कार।